जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ीशान अली टूरिस्ट मेंटोर चैनल से आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल नॉमेड वीज़ा के बारे में कि डिजिटल नॉमेड वीज़ा है क्या, आप किस तरह इसको इजीली विदाउट एनी एजेंट के हासिल कर सकते हो, इसका क्राइटेरिया क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा फीसेस एंड आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, थम्स अप और बेल आइकन पे प्रेस कर लें। और जो मेरे दोस्त इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलें जी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि डिजिटल नॉमेड वीज़ा है क्या। डिजिटल नॉमेड वीज़ा एक ऐसा प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स है जो किसी भी पर्सन को जो अपने होमलैंड से दूर हो किसी दूसरी कंट्री में, उसको रहने का और काम करने का कानूनी हक देता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा। ये एक ख़ास मुद्दत के लिए हो सकता है, 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक। तो उसमें आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ लेके जा सकते हो। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जो आपको इसी वीज़ा पे रेजिडेंसी ऑफर करते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कितने कंट्री जो है वो डिजिटल नॉमेड वीज़ा ऑफर कर रहे हैं जिन लोगों के पास रिमोट जॉब्स हैं। रिमोट जॉब्स के बारे में बाद में बताता हूँ कि जिनके पास रिमोट जॉब है कितने कंट्री ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं। बिलीव करें कि मैं भी शॉक हो गया जब मैंने इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स पढ़ी या दूसरे डिफरेंट कंट्रीज़ के मैंने डिजिटल नॉमेड वीज़ा देखा, जो 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 कंट्री इसको ऑफ़र कर रही हैं सभी को, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपर्टीज़ और डिपेंड ऑन योर एजुकेशन और स्किल। तो लगभग 50 कंट्रीज़ हैं, 50 कंट्रीज़ जो हैं जो आपको डिजिटल नॉर्मल वीज़ा ऑफ़र कर रहे हैं। मैं आपको थोड़े से कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में बता देता हूँ जिनका वीज़ा क्राइटेरिया थोड़ा ईजी है, की रिक्वायरमेंट थोड़ी ईजी है। सबकी डिफरेंट होंगी लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें मैं बता दूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से कंट्री बता देता हूँ, उनमें जर्मनी नंबर 1 पे है, नॉर्वे है, साइप्रस है, क्रोएशिया है, ताइवान है, अल्बेनिया है, ब्राज़ील है, यूएई, पनामा, मलेशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, जापान, लंबी लिस्ट है, 50 कंट्रीज़ हैं। अगर सबके नाम लूँगा और सबका क्राइटेरिया बताऊँगा, उनकी रिक्वायरमेंट बताऊँगा, तो वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कंट्रीज़ जो हैं सभी लोग जानते होंगे इन कंट्रीज़ के बारे में। तो कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं जो ये आपको वीज़ा नॉमेड जो है वीज़ा दे रहे हैं, डिजिटल नॉमेड वीज़ा। उनका क्राइटेरिया साउथ अमेरिकन कंट्री का बकदरे इजी है अगर आप जर्मनी से नॉर्वे से कंपेयर करते हो। तो इफ़ यू आर अ न्यू कमर, अगर आप नए हैं इस फील्ड में जो रिमोट जॉब्स हैं, अच्छा मैं सबसे पहले आपको रिमोट जॉब बता देता हूँ कि रिमोट जॉब हैं क्या। रिमोट जॉब होती हैं जैसे लाइक कस्टमर सर्विसेज आप दे रहे हो तो ये रिमोट जॉब है। अगर आप सेल्स या परचेज रिप्रेजेंटेटिव हो, रिमोट जॉब है। ऑनलाइन आप टीचिंग करते हो, रिमोट जॉब है। मार्केटिंग करते हो, ये रिमोट जॉब है। ये स्पेसिफिक उन लोगों को ये रिक्रूट कर रहा है ये डिजिटल नॉमेड वीज़ा जिनके पास ये जॉब्स ऑलरेडी हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि नॉन यू कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इस तरह की जॉब्स हासिल करना या उनके सर्ट्स लेना, आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी अ बिग इशू फॉर यू गाइस। तो ये रिमोट जॉब है, इनका क्राइटेरिया वेरी सिंपल है कि आपके पास ये जॉब्स होनी चाहिए। अभी सभी कंट्रीज जिनके मैंने नाम लिए हैं
या जिनके मैंने नहीं भी लिए, उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इस जॉब्स में, ये जो मैंने जॉब्स रिमोट्स जॉब्स हैं, इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप पैसे बना रहे हो। तो आप अगर किसी भी कंट्री में जाते हो या अपने होमलैंड से बैठ के, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जर्मनी जॉब कर रहे हो, तो आपको पे जो है वो यूरोज में मिलेगी। अगर लेट्स सपोज कि आप यूएई में कर रहे हो, तो आपको पे जो है वो दरहम में मिलेगी। जापान में हो, कहीं भी हो, तो ये ऑफ़र भी देता है कि आप हमारे कंट्री में आएँ तो आप वहाँ पे जॉब करें, लेकिन आप अपने कंट्री में, एग्जांपल अगर आप इंडियन हो और आप जापान चले गए, तो जापान जाके आप इंडिया को नहीं, आप रिप्रेजेंट इंडिया में जॉब नहीं कर सकते, मतलब। तो ये रिमोट जॉब हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। बैंक जो बैलेंस है इनका डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट है, ये मतलब 2000 से लेके एंड 6000 तक आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन द कंट्री वेयर यू आर अप्लाइंग। तो ये तो उनका हो गया क्राइटेरिया। और मैं आपको थोड़ी सी वेबसाइट बता देता हूँ कि आप जॉब ये इजीली कैसे ढूंढ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा और मैं अपनी स्क्रीन पे भी चलाने की कोशिश करूंगा। इनमें तीन मैं वेबसाइट्स बताता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं तीन बता देता हूँ। आप खुद ही घर बैठ के ये अप्लाई कर सकते हो और इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हो। आप बड़े कंट्री को नहीं करो, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े कंट्री को टच नहीं करो, छोटे कंट्रीज़ में पहले जाओ और वहाँ पे जाके एक तो आप वहाँ पे ट्रैवल करो, कंट्री घूमो, एक्सपीरियंस लो, और प्लस आप पैसे बना सकते हो। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आप इजीली सेटल हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, मैंने पहली जो साइट है इसकी है वो फाइवर, FIVER.com, एंड सेकेंड वन है Upwork.com, UPWORK.com, और थर्ड है remote.co, remote.co, इस तरह। इन वेबसाइट पे जाके अगर आपके पास स्किल हैं, आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, लैपटॉप चाहिए या मोबाइल पे आप कर सकते हो या टैबलेट हो, घर बैठ करके आप जॉब्स अप्लाई करो। थैंक यू सो वेरी मच, वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, गुड लक।